आज पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के अंतिम दर्शन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके बेटे आज अमेरिका से लौट रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का पार्थिव शरीर दिल्ली में पंचशील पार्क स्थित उनके घर पर रखा गया है, जहां कल से ही श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। कल पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जॉर्ज फर्नांडिस लंबे समय से अल्जाइमर्स बीमारी से जूझ रहे थे। कल सुबह उनके निधन की खबर आई थी। जॉर्ज ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण और 1999 के कारगिल युद्ध के फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस 1989 में वीपी सिंह सरकार में रेल मंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस 1967 में पहली बार सांसद बने थे, उसके बाद 9 बार लोकसभा चुनाव जीते। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1994 में जनता दल छोड़कर समता पार्टी बनाई, जिसे बाद में नीतीश कुमार ने जेडीयू नाम दिया। जॉर्ज अटल सरकार में रक्षा मंत्री रहे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।